क्या हस्त मैथुन करने से वीर्य का पतलापन हो जाता है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, उनके मन में अक्सर एक ख्याल होता है कि उन्होंने हस्त मैथुन किया है या फिर मास्टरबेशन किया है और उसकी वजह से उनका वीर्य एकदम पतला हो गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात समझिएगा कि जो वीर्य है, सीमन जो है, इजैकुलेशन होने के बाद वो थोड़ा उसका जो थिननेस है, पतलापन या गाढ़ापन बदलता है। कई बार इजैकुलेशन के जस्ट बाद वो थोड़ा थिक दिखता है, गाढ़ा दिखता है, और कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा पतला दिखने लगता है। तो वीर्य की जो कंसिस्टेंसी है, जो थिकनेस है, वो वैसे भी चेंज होती है। तो आपने उसको किस समय पर देखा, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको पतला दिख रहा है या फिर गाढ़ा दिख रहा है। दूसरी बात यह कि क्या हस्त मैथुन करने से पतलापन हो सकता है? देखिए, इजैकुलेशन चाहे हस्त मैथुन की वजह से हो, चाहे सेक्स की वजह से हो, अगर एक बार इजैकुलेशन हुई और उसके आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद या चार घंटे बाद फिर से इजैकुलेशन हुई, तो ऐसा हो सकता है कि जो सीमन जो है, जो वीर्य जो है, वो थोड़ा सा पतला दिखे, क्योंकि बॉडी को कुछ समय लगता है वापस वीर्य को रिस्टोर करने में, बट उसके कुछ समय बाद वो फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो मास्टरबेशन करने के बाद, एक बार करने के बाद, दूसरी बार अगर बहुत जल्दी किया जाए तो थोड़ा फ़र्क आपको दिख सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात मास्टरबेशन पे ही एप्लीकेबल नहीं है, यदि कोई व्यक्ति सेक्स भी कर रहा है तो पहली बार सेक्स करने के बाद और दूसरी बार सेक्स अगर बहुत जल्दी कर दिया जाए तो भी सीमन जो बाहर आएगा वो थोड़ा पतला दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मास्टरबेशन अपने आप में या हस्त मैथुन अपने आप में वीर्य को पतला नहीं करता। वीर्य निकलने का प्रोसेस ऐसा है कि कुछ घंटे बाद अगर फिर से निकाला जाए तो वो कुछ थोड़ा सा पतलापन दिख सकता है। तो मोटी मोटी बात ये कि हस्त मैथुन से लॉन्ग टर्म में वीर्य का ना तो पतलापन होता है ना गाढ़ापन होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि आप सिर्फ आँखों से देख के ये बात नहीं बता पाएंगे कि कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। आपको जो बहुत पतला दिख रहा है वो नॉर्मल हो सकता है, और आपको जो बहुत गाढ़ा दिख रहा है वो भी नॉर्मल हो सकता है। यदि किसी के मन में इस बारे में विचार आ रहा है या डर आ रहा है या सवाल आ रहा है, तो सही तरीका है कि वीर्य का एनालिसिस किया जाए, जिसको सीमन एनालिसिस कहते हैं, और अपने आप अपनी बातों, मन की बातों पे ना कन्फ्यूज हुआ जाए। ये जो व्यक्ति, जो लड़के जो आके बताते हैं कि उनका वीर्य पतला हो गया है, उनका जब हम टेस्ट करवाते हैं तो मैक्सिमम लोगों का वीर्य नॉर्मल ही आता है। ये सिर्फ उनके मन का डर होता है और कुछ नहीं होता। तो लास्ट में मैं फिर से भी बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में मास्टरबेशन से सीमन की थिननेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद, शुक्रिया।